नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच में जाकर के हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में भी पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज हम आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल, हमारे संवाददाता पीयूष मुंदड़ा के साथ। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मुंदड़ा। न्यूज 18 राजस्थान के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन विधानसभा क्षेत्र की। यहां के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 4.5 साल में किस तरह का यहां पर विकास हुआ है और आने वाले चुनाव में यहां के लोग क्या चाहते हैं। हमारे साथ कपासन विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ के किस तरह के विकास हुए हैं और वो लोग क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव में। जी आप बताइए कि किस तरह का यहाँ पर विकास हुआ है और क्या चाहते हैं आप? पूर्व में विकास हुआ, अभी के ये 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं हुआ। जो पूर्व में कार्य, पूर्व की सरकार में जो कार्य चल रहे थे वो भी बंद कर दिए गए। उस टाइम जो रोडें निर्माण में चल रही थी उसको भी, वो रोडें भी बंद है, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए मतलब कोई जिम्मेदार यहाँ का कोई नुमाइंदा है ही नहीं मतलब इस सरकार का, और हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। लेकिन ये सरकार है उसको मतलब अभी की सरकार उसको सिस्टम कहती है, मतलब ये यही कार्य हुए यहाँ पे, और कोई विकास के नाम पे कोई काम हुआ ही नहीं, कोई काम विकास का नहीं हुआ। लगातार दो बार यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है और एक बार कांग्रेस का। पिछले दो चुनाव की बात करें तो लगातार दो बार विधायक जो है यहाँ के बीजेपी के विधायक बने हुए हैं, उनके क्या किस तरह का कार्यकाल रहा है? जनता से बातचीत करते हैं, आप बताइए कि आखिरकार किस तरह का कार्यकाल रहा है? पिछले 30 साल से स्थानीय विधायक श्रीमान अर्जुन लाल जी जीनगढ़ साहब यहाँ के क्षेत्र का विकास होने के साथ साथ में सेवाभावी भी है और सुलभ तौर से उपलब्ध है, और पूरे कपासन विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा जो कराए जा रहे काम है वो उनमें यदि हम गिने तो राशमी क्षेत्र में बनास नदी के अंदर 11 एनीकट के निर्माण किए गए हैं, जिसकी वजह से आज प्रत्येक गांव के अंदर पानी की समस्या और सिंचाई से संबंधित पानी की समस्या का निदान मिला है। साथ ही हर क्षेत्र में वो अग्रणी है, हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। साथ ही उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को अभी इन दिनों जो कि हमारी सरकार नहीं होने की वजह से अनदेखा किया जा रहा है, बल्कि स्थानीयता के आधार पर हम देखें तो आदरणीय श्रीमान अर्जुन लाल जी जीनगर साहब का जो काम है वो बहुत सराहनीय है और आने वाले समय में भी ये विकास की गंगा बहती रहेगी। साथ ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और अन्य महिला अत्याचार के मामले में भी हम देखें तो चूंकि राजस्थान में भी नंबर वन है तो निश्चित रूप से कपासन क्षेत्र भी इस मामले में अछूता नहीं है। आने वाली सरकार जो है वो हमारी होगी और निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान भी विकास की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र में पूरे इंडिया में अपना नाम करेगा। युवा हैं आप, युवा क्या चाहता है यहाँ पर? आखिरकार युवा भी कुछ ना कुछ सोच के ही मतों का प्रयोग करता है। पिछले 10 सालों से इस कपासन विधानसभा में विधायक अर्जुन जिनगर जी है और पिछली बार भाजपा की सरकार थी और जितना हो सके विकास विधायक जी ने युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, सबके लिए किया है। और अभी सरकार एंटी है तो उसके चलते जो भाजपा के विधायक है वो मांगे तो हमारी बराबर रख रहे हैं, वहाँ हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, उनका काम हो सके जब तक वो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के होने के नाते सरकार द्वारा उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई काम नहीं दिया जा रहा है, उनका काम रुके हुआ है। वरिष्ठ हैं आप, मूल समस्या क्षेत्र की क्या है? पूरा विधानसभा क्षेत्र है ये मूल समस्या, जो मातृगुंडिया बांध का जो पानी है ये हमारे किसानों को मिल जाए नहर बन के, जैसे चित्तौड़िया डिंडोली कपासन के तालाब भर जाए तो किसानों को पानी मिल सके, ये सबसे बड़ी मांग है विधानसभा की और विधायक जी बहुत इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और विधायक जी ने कितनी बार सरकार से भी आग्रह किया लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और मेन समस्या यही है। मातृगुंडिया बांध का पानी जो है यहाँ पर मेन समस्या बात आई है, क्या कुछ मातृगुंडिया बांध से जो है कितने गांव प्रभावित है और कितने जो है उनको सहूलियत मिल सकेगी? यहाँ से जो कपासन क्षेत्र में जो तालाब है उसमें भी पानी नहीं गया, नहर की कुछ समस्या है, कुछ लोगों ने भर दी है और राजनीतिक की परेशानियों से कोई चीज सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे अर्जुन लाल जी स्वभाव से सुशील हैं, सुंदर हैं, मगर मांगों को पूरी करने के लिए
दूसरी सरकारों से जो विविधा आती है उस विविधा के हिसाब से नहीं हुआ काम और होना चाहिए। 7200 से भी अधिक गांव इसमें जुड़े हुए हैं नहरों से, जिसमें पानी की व्यवस्था बहुत अधिक आवश्यक है। पानी की आवश्यकता है लोगों का कहना है। अच्छा, और क्या विकास के मुद्दे हैं यहाँ पर जो मेन आने वाले चुनाव में करेंगे? स्थानीय जो कपासनपुरी विधानसभा है इसमें रोजगार के लिए बिल्कुल नगण्य सा काम है। कोई रोजगार के लिए कारखाने नहीं है और किसी भी प्रकार से अभी कांग्रेस का शासन चल रहा है। कांग्रेस में 4-4.5 सालों में किसी प्रकार से इस विधानसभा में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोला गया है और सड़कें भी लगभग सारी टूटी हुई है और सड़कें जो निर्माण होना चाहिए भिलवाड़ा से सांवरिया जी तक वो अब तक नहीं हो पाया है। और इसलिए बिल्कुल यहाँ की जो जनता है वो आने वाले चुनाव में बता देगी कि भाई कांग्रेस शासन ने क्या किया, कांग्रेस शासन को उठा के फेंक देगी। लेकिन जो विधायक हैं वो तो बीजेपी के हैं, क्या उनकी नहीं चल पाई? विधायक महोदय जो अर्जुन जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो जो उनकी तरफ से जो उनको जो 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी मिलता है पैसा उनकी अनुशंसा कर देते हैं और उन्होंने पैसा दिया है लोगों को उस गली मोहल्लों में या जहीं पर जहाँ भी विकास की जरूरत है उन्होंने पैसा दिया है। किंतु राजस्थान सरकार में जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं और जो उनके ऊपर जो और नेता जो है उनके काम को रुकवा देते हैं कि भी ये पार्टी के नहीं है कांग्रेस के, इसलिए इनको कार्य को रोक दिया जाए और वो काम रुक जाते हैं। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार क्या विकास होना चाहिए और क्या विकास में कमी रह गई है? राजस्थान सरकार की विकास में बहुत कमियां हैं, खाली ये मतलब भाषणबाजी मतलब ये करते हैं, खाली जुबले ये मतलब फोन बांटना वो बांटना सारे होते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि मतलब सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए, या मतलब चिकित्सा विभाग में मतलब डॉक्टर को ध्यान देना चाहिए, ऐसी बातें को ध्यान दे, किसी को मतलब गरीब आदमी को कुछ काम मिले, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ऐसी है सरकार राजस्थान सरकार। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे आखिरकार? हमारे कपासन विधानसभा के सभी जो जितने भी लोग हैं उनका तो स्पष्टीकरण है 15 सालों से कि बीजेपी की चाहे कांग्रेस की सरकार बनी तो भी बीजेपी का विधायक बना, और आने वाले टाइम में भी हम पूरी विधानसभा के जितने भी लोग हैं सारा क्लियर है कि भाई हमारे बीजेपी का विधायक बनेगा। विधायक बनने के बाद उनको मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने के बाद जो भी छोटा मोटा और कुछ रह गया है, काफ़ी सारा विकास हुआ है, लोग तो कहते हैं कि नहीं हुआ ये नहीं हुआ, काफ़ी सारी रोडें बनी हैं, कुछ बीजेपी का विधायक और सरकार कांग्रेस की है तो उस कारण कुछ काम नहीं हो पाए। तो हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे को आने वाले टाइम में भी बीजेपी का विधायक दे और मोदी जी के नेतृत्व में वो मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने के बाद जो काफ़ी सारा विकास जो है काफ़ी सालों से अटका हुआ है, हम यही चाहते हैं कि बीजेपी का मंत्री बन के ही उनके हाथों से होगा। क्या यहाँ पर सड़कों के क्या हालात है कपासन विधान पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो? सड़कों के हालात बहुत अच्छे हैं और पिछले जो सुंदर जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें हमारे माननीय विधायक साहब ने जितने भी मतलब आसपास की बड़ी बड़ी जो सड़कें थी सारी से जैसे नारायण से लगाकर भोपाल सागर हो गई, मातृगुंडिया से लगाकर गोपालपुरा तक जो अपना विधानसभा का जो एरिया लगता है इसमें अभी एक सड़क अपन चंदेरिया से वो अभी चंदेरिया वाली का काम चल रहा है वो भी सही हो जाएगी। और सड़कों के मामले में तो हमारे कपासन विधानसभा में अच्छा मतलब पिछले जो कार्यकाल का देखे तो अच्छा काम हुआ, इस कार्यकाल में जो सड़कें पहले जो सेंक्शन थी सरकार की जो गिट्टी डाल रखी थी वो आज दिन तक वो गिट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर डामर नहीं किया है। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो हमारे माननीय विधायक साहब ने जो मातृकुंडा के डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट की जो रूपरेखा तैयार की थी जो बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा ये क्या मेवाड़ का हरिद्वार है, या तो फिर ये 4-4.5 साल हो गए इस सरकार को एक कंकर भी सरकार ने नहीं लगाया नहीं उस पर कोई ध्यान दिया। तो अब हम यही चाह रहे हैं कि हमारी सरकार भी वापस बने, हमारे विधायक साहब वापस आएंगे तभी हमारे इस क्षेत्र का डेवलपमेंट अच्छा होगा। निश्चित रूप से कपासन को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। इस हरिद्वार में यहाँ पर जो मातृकुंडिया बांध है वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है और वहाँ पर दिवंगतों की जो है अस्थियां विसर्जन की जाती है, ऐसे में और क्या डेवलपमेंट चाहते हैं मातृकुंडिया बांध पे और क्या होना चाहिए? मातृकुंडिया बांध पे जैसे पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार में जो हमारे विधायक साहब ने करीबन 10-12 करोड़ का जो सेंक्शन कराया था
और परशुराम जयंती की पनोरमा बनाई थी वो काम एज इट इज, वो जैसी सरकार चेंज हुई वो वैसे का वैसे ही ठप रह गया काम। हम चाहते हैं कि वापस हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो और ये सारे काम वापस रनिंग में लाए जाए, यही हम चाहते हैं। सबसे बड़ा मलाल ये है कि कांग्रेसी सरकार के रहते हुए और विधायक जो है वो बीजेपी के रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो पाया। आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप आने वाले चुनाव में? हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण सही हो जाए और हमारा मातृगुंडिया जो डैम बना हुआ है उसका पानी हमारी यहाँ की विधानसभा की जनता को मिले, हमारी सबसे बड़ी मांग यही है। इसके लिए हम संघर्ष भी करना पड़ेगा तो करेंगे। निश्चित रूप से समय समय पर यहाँ के लोगों ने मातृगुंडिया बांध का जो पानी उसके लिए संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं, क्या होना चाहिए आखिरकार? कितने क्षेत्र को वो पानी मिलता है तो कितने कहाँ कितनी जनता प्रभावित होगी उससे? खूब सारी कपासन एरिया पूरा इसमें डेवलप हो जाएगा, इससे नहरें निकलेगी तो, और ये होना चाहिए। इसलिए बांध के हमारे खाली इसका आवागमन बाधित होता है, हमारे को फायदा कुछ नहीं मिलता अभी इसका, खाली आवागमन बाधित होता है और हम परेशान होते हैं और बाकी पानी आगे जाता है पूरा। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र में मैंने सुना है कि एक बजरी का जो है वो भी यहाँ पे काफी रहा है, अनाज आवाजाही जो रही है बजरी के नाम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, पहले भी बचा था क्या? जी सर, बजरी से लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है, ये सारी जो बजरी जा रही बाहर जा रही है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए और आने वाले समय अगर ऐसे अगर बजरी का दोहन होता रहा तो आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, चित्तौड़गढ़ जिले में रासमी एक ऐसा उपखंड है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, यहाँ देख लो परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है, रोडवेज पहले वसुंधरा सरकार में रोडवेज चलती थी, जब से गहलोत सरकार आई है ये भिलवाड़ा की तरफ जो रोडवेज आती थी वो बंद करवा दी, यहाँ मतलब रोडवेज की कोई सुविधा नहीं है, नहीं आपने जैसे गंगापुर जाते हैं नहीं इधर कोई, यहाँ से कोई आसपास 25 किलोमीटर के आसपास जो हाईवे है, हाईवे से शाम को 8 बजे के बाद कोई साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात है एजुकेशन के मामले में, या कॉमर्स की पहले फैकल्टी स्वीकृत थे लेकिन विगत 4-5 सालों से वहाँ स्टाफ की कमी है और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या 5 सालों से वो कॉमर्स की फैकल्टी बंद है। हॉस्पिटल में देख ले तो डॉक्टर ढंग से आते नहीं है, टिकते नहीं है, और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो अपने विद्यालय की बिल्डिंग ले लो, अपने हॉस्पिटल की बिल्डिंग ले लो, सारी बिल्डिंगें जर्जर हैं। विधायक साहब ने भी अनुशंसा की है लेकिन कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे विधायक साहब ने विगत कुछ इनके जो कार्यकाल रहा है 11 एनिकट बनाए हैं, जिन इन 11 एनिकट की वजह से किसानों को फायदा मिल रहा है कि पानी रुक रहा है, बाकी अगर ये एनिकट नहीं होते तो बारिश को अभी देख रहे हो जैसे मौसम कभी आता है कभी नहीं आता है। और बांध की जैसे अपन ले आए तो इधर का जो बेल्ट है ऊपर वाला जैसे बारू बना क्या है कपास है, इधर कोई नहर की सुविधा नहीं है, तो इधर एक नहर होनी चाहिए जिससे यह भी पूरा सूखा पड़ा हुआ है, बस ये कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से पानी की मूल समस्या जो है क्षेत्रवासियों को लग रही है और इसी के चलते ये आने वाले विकास का जो मुद्दा है वो सबसे मूल है जो पानी का बताया जा रहा है। आप बताएंगे और क्या समस्या है क्षेत्र में? 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस टाइम विधायक महोदय ने बहुत अच्छे काम करवाए लेकिन इस टाइम में विपरीत सरकार होने से कोई विकास नहीं हो पाया, विधायक साहब के काफी संघर्ष करने के बाद भी विकास नहीं हो पाया, बहुत कोशिश की है ना। आप बताइए कि क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में, क्या जनता चाहती है यहाँ की और क्या चीज़ों को लेकर यहाँ का अपने मतों का प्रयोग करेंगे? सभी राशमी क्षेत्र के निवासियों का हार्दिक स्वागत नमस्कार। मैं लोकेश कुमार आर्य यहाँ से कांग्रेस का 3री बार विधायक दावेदार हूँ और सर हमारा कांग्रेस पार्टी का जो विजन 2030 है उसमें राजस्थान को भारत का सबसे अव्वल दर्जे का स्टेट बनाने का गहलोत साहब का मिशन है और पिछले 5 सालों में गहलोत साहब ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उसकी बदौलत पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में भी राजस्थान का अलग से नाम हुआ है। उसमें ऐसी योजनाएं आई है कि 25 लाख का जो बीमा है स्वास्थ्य का, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं कर पाई। क्षेत्रवासियों को क्या लाभ मिला है यहाँ पर? क्षेत्रवासियों ने इस 25 लाख के जो बीमे की है उसकी सारी सुविधाएं ली है, 10 लाख तक का जो एक्सीडेंटल बीमा है उसकी सुविधाएं ली, अभी महंगाई राहत शिविर के अंदर हर आदमी को उसमें राहत मिली है। आम जनता का कहना है कि यहाँ पानी की मूल समस्या है, क्या आपको लगता नहीं आप कांग्रेस से जुड़े होने की बात कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ, ये मातृगुंडिया का जो मुद्दा है ये मुद्दा आज का नहीं है, हमारे क्षेत्र के ही विधायक 4थी बार विधायक है और ये पूर्ववर्ती सरकारों को भी इस पे मनन करते अगर तो ये मुद्दा आज स्टैंड नहीं होता। मैं एक छोटा कार्यकर्ता होते हुए भी हमेशा जमीन पर संघर्ष करता हूँ, कितनी बार मैंने बड़े नेताओं को लिखा है कि चंबल का पानी
भिलवाड़ा में आ गया और उसकी अब आवश्यकता नहीं है, तो इस बांध का जो पानी है इस पूरी विधानसभा को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए मिले, मैं इसी के लिए प्रयत्नरत रहता हूँ। धन्यवाद। आप बताइए कि क्षेत्र में क्या समस्या है? क्षेत्र में समस्या तो फिलहाल में किसी बात की नहीं है और समस्या कोई है ही नहीं है। समस्या है तो इन कार्यकर्ता ये है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये गहलोत साहब ने ये नहीं किया। गहलोत साहब ने तो बहुत कुछ किया है, हर जनता के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दे रही है और जनता त्राहिमाम मचाएगी, फिर रिपोर्ट कांग्रेस सरकार बनेगी, दावे के साथ कहते हैं। किसान क्या चाहते हैं? किसानों की जो भी समस्या है, जो सरकार वर्तमान सरकार अच्छी तरह से निपटा रही है, एक छोटी सी समस्या है, काश्तकारों को लाइट नहीं मिलती है। वो आठ घंटे की जगह अब कुल मिला के 2 घंटे ही मिलती है। ये लाइट की समस्या है। बाकी वर्तमान सरकार जो भी है, जो भी कार्य कर रही है, बहुत काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है। जैसे समस्या जो है बिजली की है। हाँ, सबसे ज़्यादा समस्या बिजली की है, कम मिलती है काश्तकारों को, जिससे काश्तकारों की साग वगैरह जो भी होती है वो नष्ट हो जाती है, लाइट समय पर नहीं मिलती है। व्यापारी वर्ग रहे लग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं आप सरकार से कि यहाँ पर किस तरह के विकास होने चाहिए? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, 3 साल मेरे को पेंशन हुए हो गए हैं। वर्तमान विधायक जी हमारे एरिया में 5वीं बार बन चुके हैं, लेकिन हम चारों तरफ हमारी नज़र घुमाएं तो राशमी का डेवलप हमें जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। सरकार की योजनाएं जो आती है उसका तो होता है, लेकिन एक डेवलप जो होना चाहिए एरिया का वो नहीं हुआ है। उसके बाद जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी की समस्या चाहे कैसी भी सरकार आई रही है, लेकिन बेरोजगार केवल इन गुटों में जाता है और झंडे ले रहता है, मीटिंगों में जाकर के जयपुर दिल्ली तक जाता है और वापस आकर के बैठ जाता है। तो बेरोजगारों को कोई रोजगार अभी तक इस कैसे भी सरकार ने उसकी व्यवस्था नहीं की है। पेयजल वाली व्यवस्था राजस्थान में वर्षों से चली आ रही है, सभी सरकारों ने मिलकर अच्छे काम किए हैं और अच्छे हो रहे हैं, और कुदरत की जो मार होती है वो तो प्रगति के बाद में कैसे भी सरकार हो वो उसको सफल करती है। इस दूसरी बात, हमारे वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं दे रखी है, लेकिन राशमी के अंदर चाहे आप पशु चिकित्सालय में चले जाएं, चाहे आप इस जनरल हॉस्पिटल में चले जाएं, एक बुखार वाला आदमी जब जाता है तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। या ऐसी स्थिति है, क्षेत्रीय कार्य मतलब कर्मचारी लगे हुए हैं, वो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं और मतलब बीमार आदमी जाता है, मैंने आंखों से देखा हुआ है। एक वृद्धा आई, बीमार थी, और जब उसको एक आदमी जो कर्मचारी था स्टाफ का, वो मोबाइल लगा करके अपनी कानों से सुन रहा था। अभी मैं वर्तमान में 5 दिन पहले गया, डॉक्टर 3 की पोस्टिंग है, एक डॉक्टर बैठा है, भीड़ पड़ रही है, लाइन लग रही है, और उनको कहने वाला कोई ऐसा लीडर ही नहीं है, क्योंकि उनके काम होते हैं और गरीब जनता के काम उस स्वास्थ्य विभाग में नहीं हो रहे हैं। गंगा तो बह रही है, लेकिन उसका लाभ हमारी क्षेत्रीय जनता में प्रॉपर राजमी का मैं कह सकता हूँ, वहाँ हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं। रेवेन्यू में जाओ तो भ्रष्टाचार की बू आती है, बिजली बोर्ड में जाओ तो लाइट बिल का कनेक्शन काटने के लिए लाइनमैन आ जाता है, लेकिन रीडिंग नहीं ली जाती है और उसका केवल लिख दिया जाता है कि आपके 60 यूनिट जले, नेक्स्ट बार आपका 9000 का बिल। फिर हम उनको निवेदन करते हैं, क्या है, जब तक किसी ऐसे लीडर का या ऐसे कार्यकर्ता का हम फोन नहीं कराते हैं या उनके हाथा जोड़ी नहीं करते हैं तो हमारी नहीं चलती है, क्योंकि हमें उनको हाथा जोड़ी करनी है। लेकिन डायरेक्ट कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आज की तारीख में हमारे एरिया में सीधा अपना काम नहीं करा सकता, इन बिचौलियों के या फिर उन नेताओं के बीच जाकर के ही हमारा काम कराना पड़ता है। इनके झुंड लेकर के ये घूमते रहते हैं और हवा चलती रहती है। निश्चित रूप से चिकित्सा और कई समस्याएं लोग बता रहे हैं, आप बताइए कि क्या क्षेत्र की समस्या है, मूल समस्या क्या है? क्षेत्र की ऐसी कोई समस्या नहीं, इस राज्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये आराम से जनता को सब फायदा मिल रहा है और कोई ऐसी तकलीफ ऐसा काम ही नहीं है। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आप, किस किन मुद्दों को लेकर विकास? हमें विकास के मुद्दे रहेंगे और इस एरिया में औद्योगिक एक इकाई होनी चाहिए, कोई कारखाना हो जाए जिससे 500,000 मजदूर काम करे,
उसे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। हाँ बताइए आप, हाँ यहाँ के नागरिक है क्या चाहते हैं जनता यहाँ की? यहाँ के जो नागरिक है उसमें सबसे पहले तो मैं, मेरे जो पेंशनर वाले हैं उन लोगों के लिए जो सुविधाएं चाहिए सरकार के द्वारा, वैसे सरकार की मैं बुराई नहीं करता हूँ कि सरकार बुरी है या कुछ है, लेकिन जो पेंशनर कहीं से मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरी तहसील का अध्यक्ष होने की वजह से उनके बारे में जो चल करके आता है आदमी और इस उम्मीद से आता है कि मेरा काम हो जाएगा, उसको ये दरकिनार कर देते हैं और उनको वो सहायता नहीं दे पाते हैं। तो ये मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कई बार कि इस प्रकार से कोई ऐसे आदेश हो जाए कि पेंशनर जो चाहे उसमें उनको प्राथमिकता दे, चाहे ये मंदिर इसमें आए, बैंक में आए, चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे और किसी विभाग में काम करने के बिजली विभाग में जाए। बिजली विभाग का तो नाम ही जोरदार है। बिजली विभाग का तो मेरे पर्सनल की बात बताऊँ मैं आपको, तो बताऊँ कि मैंने आज के 6 महीने पहले एक कनेक्शन लिया, उस कनेक्शन में बिल आया दो महीने बाद, उस बिल में आया पीछे का पिछला बकाया। अब मैं सोचता हूँ कि जब जाके मिला मैंने कहा पिछला बकाया कब का है, 2 महीने के तो बिल आ गया पिछला महीना, तो ठीक है अगली बार आप जमा मत करो दूसरी बात करा दे। दूसरी बार भी यही हुआ कि वापस पिछला जुड़ा हुआ आ गया और उसका कोई समाधान नहीं मिला। के बिजली और पेंशनर की जो समस्या आप बताना चाह रहे हैं वो आपको चाहिए सरकार से? हाँ वो होना चाहिए, होना ये चाहिए कि जो कुछ हो, अब मान लो आप इस प्रकार से बुजुर्ग लोग आए और उनका कोई काम नहीं हो समय पे, तो वो किस प्रकार से क्या काम चलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो विशेष पेंशनर की जो बात है उसमें अगर ज्यादा सहयोग करे। किस तरह की यहाँ पे भी समस्या है और क्या जनता चाहती है? समस्या तो कुछ है नहीं ऐसी, लेकिन पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। रोडे अभी भी गांव में खराब है, ठीक है, और पानी का लाइट वगैरह ये तो नॉर्मल चलता आ रहा वैसे ही। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जो है वो उसकी मुहैया नहीं हो पा रही, उनकी समस्या ज्यादा है, आपका कहना ये है। आप बताइए कि किस तरह का यहाँ पर समस्या है और मेन समस्या है? एक तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है सर, नहीं तो महिला कॉलेज है, ना सरकारी कॉलेज बॉयज कॉलेज है, और एक एक सांकली पुलिया जो हर बार बारिश होती है बांध का पानी छोड़ते हैं और गेट बंद महीना भर के लिए बंद, तो एक तो मतलब पुलिया बनना चाहिए वहाँ।